हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं लेके आ गया हूँ पकोड़ा मिक्स, जो कि टाटा संपन्न की तरफ से आते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये पकोड़ा मिक्स क्या हमारे बजट में है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग को बनाकर भी दिखाऊंगा और इसके टेस्ट के बारे में सारे ऑल इन वन इन वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि किस तरह की पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर इसकी देख सकते हो डिज़ाइन कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। और ये पकौड़ा है, आप पकौड़ा किसी भी चीज़ का बना सकते हो इसके मसाले के साथ, जैसे गोभी का हो गया, आप बंदा का भी बना सकते हो, आप आलू का, प्याज का, टमाटर का, जिससे जिसका भी आप बनाना चाहते हो तो इसकी मदद से आप बना सकते हो। और इस मसाले की मदद से वह आप जो 100 पीसेस आप जो है बना सकते हो। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो है लो ऑयल अब्जॉर्ब, यानी कि बहुत ही कम ऑयल अब्जॉर्ब करोगे करता है। अगर आपके घर में कोई भी ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते तो आप इसी मसाले के साथ तैयार कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का कलर नहीं बनाया गया और ये 15 मिनट में जो है ये मसाला तैयार हो जाता है। और अगर नेट वेट की बात करें फ्रेंड्स, तो 180 ग्राम इसकी नेट वेट होती है। तो चलिए पीछे के साइड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या। तो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दी गई, यह बेसन है और इसमें चावल, नमक और कुछ मसाले मिलाए गए हैं और इसे तैयार किया गया है। और इसकी प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स 70 रुपीज़ इसकी प्राइस होती है। और अगर वैलिडिटी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ आपको जो है 8 to 9 मंथ की जो वैलिडिटी आपको मिल जाती है। और इधर के साइड में अगर आप आओगे तो 100 पीसेस इसकी मदद से आप जो है बना सकते हो। और कैसे आपको इसके मसाले को तैयार करना, तो जिस तरह नॉर्मली आप घर में बेसन को तैयार करते हो किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो इसका भी इस्तेमाल उसी तरह से आप कर सकते हो। पैकेट को फाड़ो, ठीक है, 200 ml जो है वाटर लो और अच्छी तरीके से मिक्स कर दो और रेडी हो जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कि इसमें अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करोगे तो क्या क्या मिलेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दी गई है और इधर के साइड में जो है नेट वेट दी गई है। और फ्रेंड्स अगर बात करें प्राइस की कि 180 ग्राम की जो है 70 रुपीज़ ले रही, तो ये क्या वैल्यू फॉर मनी है क्या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, ये टाटा के संपन्न, टाटा की तरफ से आने वाला टाटा संपन्न बेसन ही है और ये 60 रुपीज़ में आपको जो है हाफ केजी मिल जाती है, यानी कि आपको जो 500 ग्राम 60 रुपीज़ में आप जो है 500 ग्राम्स आप ला सकते हो। और तो और थोड़ा सा उसमें जो है और 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा के आप मसाले भी मिला सकते हो और आपको जो है 30 रुपीज़ में आपको जो है मसाला मिक्स ऑलरेडी पकौड़ा मिक्स जो है तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके पैकेट को मैं फाड़ता हूँ और दिखाता हूँ कि इसकी मसाले कैसे तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं एक पतीला लेते आया हूँ और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए ये लेते आया हूँ, ठीक है, मिक्सर। और इसके पैकेट को चलिए मैं फाड़ता हूँ। तो ये रहा, तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसके पैकेट को फाड़ दिया और मैं इसमें जो है मिला देता हूँ। इसकी क्वालिटी लेकिन बहुत ही अच्छी है और इसमें खुशबू भी जो है बहुत अच्छी से आ जाती है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पकौड़ा मिक्स और मैं इसमें जो है वाटर मिला देता हूँ। 200 ml जो है आपको वाटर मिला लेनी है, ठीक है। अगर आप टाइट चाहते हो तो टाइट भी आप ले सकते हो, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा गीला चाहते हो तो आप गीला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया हूँ और भी बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स सबको मिक्स करने, ताकि इसमें गांठ बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और वाटर मिलाऊंगा और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हूँ। अब चलिए बारी है पकौड़े बनाने की, तो मैं पकौड़े बना के लाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसकी टेस्ट कैसी होती है। देख पा रहे हो कि मैंने इस पकौड़े मिक्स को जो है तैयार करके लेते हैं, आलू का ये पकौड़ा है, ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हो कि बहुत ही देखने में कलरफुल लग रही है, अच्छी लग रही है और क्रिस्पी भी लग रही है, क्योंकि इसमें राइस और सोडा भी मिलाया गया है, जिसके कारण आप नॉर्मल जो घर में बनाओगे उससे ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी ये होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाने में लगती है। नमक इसमें थोड़ा सा कम है, तो आप ऊपर से जो है काले नमक देके इसे अच्छी तरीके से खा सकती हो, ठीक है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो ये थी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।